देखिए दोस्तों, आज हम लोग आए हैं तारा मीरा देखने के लिए, लेकिन तारा मीरा तो सारा सारा फिनिश हो गया, और कुछ तारा मीरा अभी बाकी रहा है। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके का है, तो कहीं कहीं पर तारा मीरा है, दिखाई दे रहा है। इससे लग रहा है कि तारा मीरा बाया हुआ है, और इसके फली भी एकदम मस्त वाली लगी हुई है, लेकिन पानी की कमी के कारण ये पूरा जल के राख हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, फली भी कितनी मस्त मस्त लगी हुई है। फली भी एक नंबर की थी, लेकिन बारिश हो जाती, थोड़ी सी तीसी बारिश भी हो जाती ना तो भी ये हो जाता, तो आराम से हमारे यहाँ पर तारे मेरे की बोरियाँ भर ही जाती। लेकिन यहाँ पर पशु भी बढ़ने लग गए, घुसने लग गए पशु भी। इतनी दूर में पूरे में बा रखा था हम लोगों ने, लेकिन जिधर छाया है खेजड़ी की वहाँ पर, और जहाँ पर थोड़ा बहुत चारों तरफ हमारे यहाँ पर पानी लगता है ट्यूबवेल का, तो वहाँ पर उन उनके पास थोड़ा बहुत तारा मेरा है। बाकी का सारा जाल के भस्म हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, छाँव में कितना मस्त वाला हो रखा है, छाया है ना वहाँ वहाँ पर एकदम एक नंबर हो रखा है। देखिए कितना मस्त, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सर्दियाँ पड़ भी रही है क्या। सुबह सुबह ओस आती है, धुंध आती है, वापस चली जाती है, 10 बजे तक आती है, फिर इतनी गर्मी, इतनी धूप होती है कि ये सारा बापड़ा जल के राख हो गया। ओह थक भी गए खेत में, मम्मी उधर गई है क्योंकि यहाँ पर गाय बड़ी घुस गई थी एक गाय। लेकिन हमारे ताऊ काका ऐसे हैं कि वो बताते भी नहीं है कि आपके खेत में गाय घुस गई है, तो आप लोग देख सकते हैं इस ज़माने में कैसे कैसे लोग भी रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आए तो आध निकाली है उसको, लगभग 4-5 दिन तो हो गए होंगे शायद उसके अंदर घुसे हुए, क्योंकि यहाँ पर गोबर का भरकर रखा था उसका, तो उससे पता चलता है। अभी निकालते निकालते चली गई मैं, तो इसलिए मम्मी उधर लकड़ियाँ लगा के आ रही है ताकि वो धूप फिर से ना बढ़े। तो अभी चलते हैं दूसरी जगह, घर पे जाएंगे अभी, तो आप ऐसे बने रहना ब्लॉग के साथ एंड तक। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, अपने पुराने वाले या पुराना जो अभी है उस घर पे आ चुके हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है वो रे राम जी। इस आंगन में पैर रखे ना तो ऐसे चन 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 होती है, वो बहुत ही ठंडा हो रखा है, लेकिन साफ सफाई वैसी की वैसी है, मैंने अच्छे तरीके से की थी तो धरा था, लेकिन वैसा का वैसा है सारा सिस्टम। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेशन पे चलते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मारा घर? तो ये देखिए आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर हम लोग खोद रहे हैं प्याज की पौध पंजीरी, तो ये छोटी छोटी पंजीरी है बेचारी, इसको खोद के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। इस सर्दी में हम लोग आएंगे प्याज ही प्याज, शिखर के शेखावटी के प्रसिद्ध प्याज। और यहाँ पर बहुत सारी हरियाली हरियाली हो रखी है, और पौध खोदते खोदते करतू हो चुके बेरी, मतलब कि करतू दर्द करने लगी, कमर दर्द करने लग गई। तो ये देखिए हम लोगों ने सॉरी की सॉरी पौध खोद डाली है, इतनी सारी इतनी बतूकलियाँ देख लो कितनी सारी हैं इधर रखी हुई है, और पैर जाम हो गए, और करतू भी कमर दर्द भी आने लग गया। तो देखिए कितनी सारी, अभी इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, इतनी सारी बतूकले बतूकले कर डाली हम लोगों ने, कितना काम किया, बहुत ही खतरनाक आदमी। हम लोगों ने लगभग 2 घंटे 3 घंटे हो गए, देखिए 3 घंटे हो गए उपाड़ते हुए इसको लगातार। और अभी मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, इनका क्या बना रही है वो पता नहीं। ये देखिए मैंने पौधों को कैसे इकट्ठा किया है, गोल मटोल लगा दिया, अभी इतनी बाकी हो रह गई, और एक बथोकली इतनी बड़ी सारी ये लगा दी, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद लेके जाएंगे इसको, इसलिए तो इतनी सारी बथूकलियाँ और पड़ी हैं। ये देखिए इतनी सारी और पड़ी है, इनको अभी इस पे लगाना है, ऊंचा सारा बोलूँ इतना ऊंचा सारा। फिर देखिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी बथूकलियाँ लगा दी, मम्मी इस पे कट्टा लगा रही है ताकि ये मुरझा ना जाए, अलस ना जाए इनकी जड़ें। एक तो ये रही, एक वो मम्मी वाली रही, एक इधर रही, एक इधर रही, दो तीन इधर है, तीन इधर है। ओह अभी काम ख़त्म हुआ हमारा, और कमर दर्द करने लगी। अभी अभी घर पे जाएंगे, सारे सारे पशुओं को डालेंगे क्योंकि वो भूखे हैं, काफ़ी दूर आए हुए हैं, और मम्मी इधर कट्टा लगा रही है ताकि ये अलसी ना, इसमें मिट्टी डाल देंगे तो ये इसमें पानी, जड़ में पानी बना रहेगा। अभी पौध पंजीरी खोद के आए तो थक गए, तो अभी कर रहे हैं पार्टी, पुचका पार्टी, पुचका पार्टी, पुचके 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 अभी एक का बैंड बजा दिया है, तो चलिए फटाफट खाते हैं।